हेल्थ फैक्टर में आप सबका स्वागत है। एक बार एक राजा को गिफ्ट में दो बाज दिए जाते हैं जो कि बहुत ही सुंदर थे, और वो दोनों बाज राजा को बहुत पसंद आते हैं और वो उन्हें अपने एक ट्रेनर को दे देता है कि भाई इन दोनों बाजों को ट्रेन करो। और जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो वो ट्रेनर राजा से कहता है कि उन दोनों में से एक बाज तो बहुत तेज उड़ रहा है, बहुत दूर दूर तक उड़ रहा है, लेकिन दूसरा बाज एक पेड़ पर ही बैठा है और वो उड़ नहीं पा रहा है। ये सुनकर राजा अपने आसपास के बड़े बड़े लोगों को, बड़े डॉक्टरों को बुलाता है, लेकिन कोई भी उस बाज को ठीक नहीं कर पाता और वो बाज उड़ नहीं पाता। और बहुत दिनों के बाद राजा के मन में एक विचार आता है। वो अपने पास के एक राज्य से किसान को बुलाता है जो कि जानवरों के बारे में अच्छी नॉलेज रखता था। तो राजा उस किसान से कहता है कि तुमने इस बाज को उड़ाना है। और अगली सुबह सब देखते हैं कि वो बाज उड़ रहा था। यह देखकर राजा बहुत खुश होता है और उस किसान को अपने दरबार में बुलाता है और उससे कहता है कि तुमने ये कैसे किया, जो काम इतने बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पाए और इतने सारे लोग नहीं कर पाए, वो तुमने एक ही रात में कैसे कर दिया। तो वो किसान कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही आसान था। जिस ब्रांच पर वो बैठा था, जहां से वो उड़ नहीं रहा था, तो मैंने उस ब्रांच को ही काट दिया और जब वो बाज नीचे गिरने लगा तो वो उड़ने की कोशिश करने लगा और कोशिश करते करते ही वो उड़ने लगा और इस तरह ही वो उड़ने में सफल हुआ। तो यह सुनकर राजा बहुत खुश होता है और उस किसान को ढेर सारा इनाम देता है। तो फ्रेंड्स, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कुछ लोग ब्रांच पर बैठे रहते हैं जिस ब्रांच का नाम है कंफर्ट जोन, यानी आरामदायक जिंदगी। वो लोग रोजाना वही जिंदगी जीते हैं और उससे बाहर नहीं निकलते हैं और कोई मेहनत नहीं करते और उन्हें उसी लाइफ से प्यार होता है क्योंकि उस लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई मेहनत नहीं है और कुछ भी नया नहीं है। और फिर वही लोग 4-5 साल बाद पछताते हैं कि काश मैं उस समय ये कर लेता, मैं वो कर लेता तो आज मैं कहीं और होता। आपके पास वो समय है जब आप कुछ कर सकते हो ताकि आपको आने वाले सालों में पछताना ना पड़े कि काश मैं उस समय ये कर लेता, मैं वो कर लेता। तो आपके पास अभी पूरा समय है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो।